दोस्तों एनटीए की तरफ से क्या निर्णय निकल के सामने आया है नीट यूजी परीक्षा को लेकर, और फिलहाल विचार विमर्श क्या किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग भी हुई है, क्या जानकारी निकल के आई, वो सारी बातें आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों नीट यूजी परीक्षा को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही आप लोगों का, इस बार के जो 4 जून का जो रिजल्ट जारी किया गया है जिस पर काफ़ी स्कैम देखने को मिला है, काफ़ी रिजल्ट में गड़बड़ी हुई जिसके तहत छात्रों ने री एग्ज़ाम की मांग की है, ठीक है। तो जिसके तहत दोस्तों कल रात आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग रखी गई है, मीटिंग रखी गई थी, और फिलहाल आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है नीट यूजी एग्ज़ाम को लेकर। ये कहा जा रहा है कि आप सभी की जो परीक्षा दोस्तों फिर से करा दी जाएगी, क्योंकि इस बार रिजल्ट में काफ़ी धांधली हुई है, काफ़ी लोगों के मार्क्स पूरे में पूरे दिए गए हैं, 67 अभ्यर्थी जिनके पूरे मार्क्स दिए गए हैं, और काफ़ी गड़बड़ी भी स्कैम किया गया, किसी किसी 718-719 मार्क्स दिए गए जो कि कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलने हैं, -1 अगर गलत होगा तो -1 मतलब 715, अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का कि नहीं किया है तो 716 मार्क्स बन सकते हैं, लेकिन 717-718 नहीं आ सकते, लेकिन वो भी दिया गया है क्योंकि काफ़ी स्कैम हुआ है, और 14 जून का रिजल्ट जारी होना था लेकिन 4 जून को जारी किया गया, तो काफ़ी स्कैम हुआ है, जिसके तहत लाखों अभ्यर्थी ने री एग्ज़ाम की मांग की गई, और काफ़ी लोगों ने कमेंट में री एग्ज़ाम की मांग की गई है, और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, जिसके तहत दोस्तों मीटिंग रखी गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई है, और जिस पर दोबारा एग्ज़ाम कराने के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा है। फिलहाल इसके संबंध में जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।